Hello everyone, today we are here with another question from previous air question series, and this question was asked in December 2018. So, what was the question? The question was the order of relative rate of cyclization of following bromo carboxylates to generate corresponding lactones is. Now, bromo carboxylates. और साइक्लाइजेशन प्रोसेस होगी और साइक्लाइजेशन से बनेगा लैक्टोन लैक्टोन क्या होता है साइक्लिक एस्टर।, तो एस्टर जो है वो किस में सबसे फास्ट बनेगा यही आपने यहां पे करना था तो हम एक-एक करके तीनों एग्जांपल्स में देख लेते हैं कि किस तरीके की रिंग्स हमारे पास जनरेट होंगे अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट अटैक करेगा इस पोजीशन पे ताकि ब्रोमीन यहां से बाहर जा सके और बनाएगा एक रिंग अगर मैं बात करूं बी कंपाउंड की तो बी भी हमारे पास इस पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे जहां पे कार्बन के साथ ब्रोमीन है यहां पे अटैक करेगा ब्रोमीन बाहर और अगर मैं सी की बात करूं तो वो भी यहां पे अटैक करेगा और ब्रोमीन यहां से बाहर तो अल्टीमेटली इस जो साइक्लाइजेशन के कंसेप्ट से रिंग्स बन के आएंगी वो कितने मेंबर्ड बनेगी हमें एक्चुअली वो देखना है तो यहां पे ये हुई फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड ये फोर्थ तो ए से बनेगी फोर मेंबर रिंग। यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पे फाइव मेंबर रिंग और यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स मेंबर रिंग। यानी हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास ए कंपाउंड है वो बनाएगा फोर मेंबर रिंग जो हमारे पास है बी कंपाउंड वो हमारे पास बनाएगा फाइव मेंबर रिंग और जो है सी कंपाउंड कौन सा कंपाउंड सी कंपाउंड वो हमारे पास बनाएगा सिक्स मेंबर रिंग तो इसमें से किस रिंग के साइक्लाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है उसी के बेसिस पे हम ये ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो एक रूल आता है जिस रूल का नाम है वॉल्ड रूल क्या नाम है वॉल्ड रूल तो वो वॉल्ड रूल क्या कहता है रूल कहता है कि फाइव रिंग की साइक्लाइजेशन ज्यादा प्रेफरेबल होती है ओवर सिक्स मेंबर्ड रिंग ठीक है साइक्लाइजेशन फाइव मेंबर्ड की ज्यादा होती है ओवर सिक्स मेंबर्ड यानी हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जितनी लार्ज रिंग बनेगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी बट अगर कंपैरिजन फाइव और सिक्स में आए तो फाइव मेंबर रिंग ज्यादा डोमिनेटिंग होती है ओवर सिक्स मेंबर रिंग इसलिए इन दोनों का तो सॉर्टेड है कि फाइव वाली ज्यादा स्टेबल होगी फिर सिक्स वाली होगी सो so, अल्टीमेटली हमें बताइए कि सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी फोर मेंबर्ड लीस्ट स्टेबल कौन सी होगी फोर में इसलिए हम यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से बता पा रहे हैं कि साइक् से जो साइक्लिक एस्टर बनेगा या इलेक्ट्रॉन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी में क्योंकि उससे बन रही है फाइव मेंबर रिंग अगर हम बात करेंगे उसके बाद तो फाइव के बाद है सिक्स और जो हमारे पास एक कंपाउंड है उससे बन रही है फोर मेंबर तो जितनी छोटी रिंग होगी उतनी कम स्टेबल होगी उस बेसिस पे हम यहाँ पे इसको आंसर कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो ये क्वेश्चन जो था काफी इजी था कुछ बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं थे सिर्फ वर्ल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताना था ठीक है बाकी मैं अगर यहाँ पे प्रोडक्ट आपको लिख के बताऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर ये सिक्स मेम्बर्ड रिंग है तो ये आपके पास कार्बोनिल यहाँ पे एस्टर और ये इस तरीके से दिखेगा अगर मैं फाइव की बात करूं तो फाइव में आपके पास ये कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है फोर में फोर तो इसमें जो आपका ये फाइव वाला है ये ज्यादा स्टेबल है फॉर साइक्लाइजेशन या ये ज्यादा प्रेफरेबल है सो विच ऑप्शन इज करेक्ट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट बी सी देन एल राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप This would help you. Thank you.